अस्सलाम वालेकुम। आज ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह चाइनीज़ यूआरएल हैक को फिक्स कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वेबसाइट टोटली इफेक्टेड है। तो चलो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले अब इस वेबसाइट को ओपन करें तो ये इस हद तक इफेक्टेड है कि इसका होम पेज भी नहीं ओपन हो रहा। तो सबसे पहला जो ये इफेक्ट करता है वायरस, ये इंडेक्स डॉट पी एच पी को करता है। एक दफ़ा उसे क्लीन करेंगे, ये देख सकते हैं ये सारा वायरस है। अच्छा जी, वेबसाइट ऑन तो हो रही है लेकिन अभी तक भी मसले हैं। वायरस एडमिन को लॉगिन करने को अच्छा, मेरे ख्याल से एचटी एक्सेस को भी इफेक्ट किया हुआ वायरस ने। सब चेक करते हैं। इन सारी फाइल्स को डिलीट कर देना, एक फाइल रखनी है डब्ल्यू पी कॉन्फिग। अच्छा, तो इस वेबसाइट की तो डब्ल्यू पी कॉन्फ़िग ही मिसिंग है। तो एक डब्ल्यू पी कॉन्फ़िग के अलावा बाकी सारी फाइल डिलीट करनी होती है, इसमें डब्ल्यू पी कॉन्फ़िग है ही नहीं। तो इसमें सारा कुछ डिलीट कर दें, कंफर्म डब्ल्यू पी एडमिन डिलीट कर दें, डब्ल्यू पी कंटेंट डिलीट कर दें, सॉरी डब्ल्यू पी इंक्लूड्स, डब्ल्यू पी कॉन्टेंट सिर्फ रहने देना, इसमें भी वायरस है इसे भी खाली कर देंगे। अब जाएं बैक, गूगल पे जाएं, यहाँ पे वर्डप्रेस डाउनलोड, बस हो गई इंस्टॉल। अभी सारे करेंगे जी।
बैकलिंक से एक्सट्रैक्ट कर दें। क्लोज ये दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी क्योंकि WP config फाइल नहीं थी। अच्छा अगर WP config फाइल होना तो उसे डिलीट नहीं करना क्योंकि उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है डाटाबेस वगैरह की, अगर वो डिलीट हो जाए तो फिर मसला क्रिएट हो जाता है, फिर दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ती है। WP config फाइल डिलीट करनी, बाकी आप पूरी हर एक फाइल डिलीट कर सकते हैं वर्डप्रेस की। WP कंटेंट फोल्डर नहीं डिलीट करना क्योंकि उसमें थीम्स और प्लगइन्स होती हैं, और WP config फाइल उसके अलावा हर फाइल डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब जाते हैं डाटाबेस। अच्छा अगर आप पास फाइल मैनेजर का एक्सेस ना हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह फाइल रिप्लेस कर सकते हैं अगर सी पैनल का एक्सेस ना हो तो। अच्छा इधर जाना है आपने, इन दोनों को सेव किया, अपलोड कर दें। अब दो और फाइल चाहिए होंगी अनज़िप पर, फ्रीलांसिंग में ऐसे में ज़्यादातर लोग अपना सी पैनल देना पसंद नहीं करते तो इस वजह से मैं ज़्यादातर ये वे इस्तेमाल करता हूँ। ये अनज़िप पर चाहिए होगा आपको, इसके अलावा ये शैल इस्तेमाल करेंगे होता तो ये भी वायरस ही है, लेकिन वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप शेल को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अच्छा ये शेल भी अपलोड हो गया, अब शेल एक्सेस करेंगे। अच्छा जी शेल तो हो गया है क्वेरी टाइम, कोई और ट्राई करते हैं।
अच्छा जी, वेबसाइट की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, इस वजह से स्पेशल अलाउड नहीं है। सेल होता तो उसके जरिए मैं आपको लोकल में दिखा देता हूँ। ये सर का इंटरफेस है, तो असल में डायरेक्टरीज तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैं जो करता हूँ वो इनका नेम चेंज कर देता हूँ डायरेक्टरीज का। ये नेम चेंज हो गया, WP एडमिन और WP इंक्लूड्स दोनों का नाम चेंज करके, तो फिर जाएंगे अनजिपर में और यहाँ से अनजिप कर देंगे। फिर अनजिप जब हो जाएगा तो फिर यहाँ से जाके वो जो हमने रीनेम्ड फोल्डर होंगे पुराने उनको डिलीट कर देंगे। जैसे ये है ना, यहाँ से फिर आप उसको डिलीट कर देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने जैसा काम करना है वो ये करना है कि एंटी मॉलवेयर करना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना, अच्छा जी, वर्ड स्कैन के जरिए स्कैन कर रहे हैं। दूसरा प्लगइन इस वेबसाइट पे काम नहीं किया, वो असल में डेफिनेशंस अपडेट करनी थी तो वो कोई इशू आ रहा है, वो अपडेट नहीं हो रहा। वो अपडेट हो जाती ना तो ये डाउनलोड करके तुरंत कंप्लीट स्कैन कर लेना था, लेकिन वो हो नहीं रहा, तो अब ये वर्ड स्कैन के जरिए कर रहे हैं।
अच्छा जी, ये सारे वायरसेस इसने कैच कर लिए। फाइल्स को डिलीट कर दें। चलिए प्लगइन्स में जाएं और देखें कौन कौन सा जो प्रीमियम है। देखा जाए तो कोई प्रीमियम नहीं है प्लगइन तो जो काम का प्लगइन है हमें देख लेते हैं। जो इनएक्टिव है उनको पहले अलग लिख लेते हैं। तो थीम एक्टिव है उसे भी देख लें। 2019 एक्टिव थीम आपने जो एक्टिव रखी है सिर्फ उसे रखना है, बाकी सारे डिलीट कर देंगे। प्लगइन फोल्डर खोलेंगे और इन सब को डिलीट कर दें। प्लगइन्स करें इंस्टॉल। जो प्रीमियम प्लगइन हो गए उनका बैकअप बना के आपने डाउनलोड कर लेना है।
अच्छा जी प्लगइन तो हो गए सारे जो पहले इंस्टॉल थे। ठीक है, अब अगला स्टेप गूगल में से कैंसिल करेंगे। तो फोर पेज खोलें, ये सारा डाटा कॉपी करके इसके अंदर ऐड कर दो। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि जो भी 404 है वो 410 हो गए हैं, अभी जल्दी नो इंडेक्स हो जाएंगे, डी इंडेक्स हो जाएंगे गूगल डेटाबेस है। ओके, तो अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि गूगल स्क्रैपर खोलेंगे, सारे लिंक कॉपी कर लें। अच्छा जी, लगता है कि सारे सारे पेजेस बेकार हैं, तो एक फाइल बनाएंगे। लॉगिन करें, रिमूवल्स यहाँ से वो फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें लिंक्स पेस्ट किए हैं। तो ये 10 मिनट के अंदर अंदर रिमूव हो जाएंगे। अगर आपकी वेबसाइट के स्पैम पेजेस 10-12 हज़ार से ज़्यादा है तो फिर उसका बेहतरीन हाल यही है कि वो थोड़े दिन इंतज़ार करें, वो 410 बनाने की वजह से वो खुद ही थोड़े दिनों तक ख़त्म हो जाएगा। हो
उम्मीद है कि आपको आज ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डिमांड की थी, उस वजह से मैंने बनाया था। असल में काफ़ी चीज़ें नहीं समझा सका क्योंकि वेबसाइट में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, फाइल्स वगैरह मिसिंग थी और भी कुछ रिस्ट्रिक्शन थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे कोई और वेबसाइट मिल गई तो इंशाल्लाह मैं उस पर दोबारा ट्राई करूँगा। और वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।